Hello my dear students, today we will discuss about the population growth. What is population? Population is defined as the total number of individual of a species present at particular time in a particular area. So many factors that affect the population density. Population density is affected by the birth rate, which is also known as natality, and death rate, which is also known as mortality. इसमें क्या होता है बर्थ रेट में कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है बोर्न और जो कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पैदा होते हैं पर थाउजेंड दिस इज द बर्थ रेट कि पर थाउजेंड पे कितने जो इंडिविजुअल जो है वो पैदा होते हैं, जबकि मॉर्टेलिटी क्या है पर थाउजेंड पे कितने किसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है वो होती है मॉर्टेलिटी. अब जो पीडी है, पीडी इज पॉपुलेशन डेंसिटी, इट कैन बी डिनोटेड बाय एन बाय एस. एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल. एस क्या है? यूनिट एरिया. जिस यूनिट एरिया में आप उसकी स्टडी करते हो वो है यूनिट एरिया. ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के हम दो ग्राफ स्टडी करते हैं. एक तो होता है सिग्मोइड और यू कैन सी एस शेप ग्रोथ कर्व, एंड सेकेंड वन इज जे शेप ग्रोथ कर्व. सेकेंड वन इज जे शेप ग्रोथ कर्व ऑफ द पॉपुलेशन. इसको हम बोलते हैं जे शेप ग्रोथ कर्व. ये हम स्टडी, इस तरह का ग्राफ हम स्टडी करते हैं ईस्ट की पॉपुलेशन में, जबकि कल्चर मीडिया में जो ईस्ट में प्रोवाइड की गई है. शुरू में इसमें क्या होती है, स्लो ग्रोथ होती है जो कि लैग फेज है. फिर धीरे धीरे जब उनको रिसोर्सेज मिलते हैं, फूड अच्छा सप्लाई करते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो ग्रोथ जो है वो समवट इंक्रीज होती है. और इसके बाद जो है ग्रोथ रेट एकदम से फास्ट हो जाता है. जब लैग फेज होती है तो काफ़ी स्लो ग्रोथ है, उसके बाद आती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज जिससे कि ग्रोथ इंक्रीज होती है. लेकिन एक टाइम के बाद ये बहुत रैपिड ग्रोथ हो जाती है, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज. उसके बाद जो है इतनी फास्ट ग्रोथ होने के बाद ये ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और बहुत कम रिसोर्सेज बचते हैं जिनके लिए कॉम्पिटिशन होता है. तो ये फेज आ जाती है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फेज. और उसके बाद जो है स्टडी फेज आ जाती है, जिसके बाद एक लेवल आ जाता है जिसमें ग्रोथ ना के बराबर होती है या डेथ रेट और ग्रोथ रेट जो है इक्वल हो जाता है, मोर्टेलिटी बिकम इक्वल टू द नेटेलिटी. सो यहाँ पे ये जो होता है ईस्ट की पॉपुलेशन में, अगर कल्चर मीडिया की बात करते हैं तो इस तरह का ग्रोथ स्टडी कर सकते हैं, जबकि ईस्ट इन कल्चर मीडिया, जबकि इस तरह का जो ग्राफ है जी शेप ग्राफ, ये हम स्टडी कर सकते हैं किसमें, एल्गल ब्लूम्स में. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो वही है कि स्लो फेज होती है लैग फेज, जिसमें ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे रहने के लिए और वहाँ के रिसोर्स इस्तेमाल करना शुरू करता है. उसके बाद जो अडेप्ट कर जाता है तो बहुत ही इसमें रैपिड ग्रोथ होती है, और ये इतनी फास्ट होती है कि इसमें जो है आफ्टर सम टाइम द ड्यू टू द स्टार्वेशन दिस ओल ऑर्गेनिज्म डाइज, एंड दिस इज नोन एज पॉपुलेशन क्रैश. यहाँ पे पॉपुलेशन का क्रैश हो जाता है और पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है. तो पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, तो यहाँ पे तीन टाइप के ग्राफ हैं. वन इज अपराइट ग्राफ, सेकेंड वन इज बैल शेप, एंड थर्ड वन इज एन इन्वर्टेड अर्न शेप. दिस इज इन्वर्टेड अर्न शेप ग्राफ. यहाँ क्या होता है कि अपराइट ग्राफ में दिस इज द यंग पॉपुलेशन. यहाँ अगर हम स्टडी करते हैं तो प्री रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो दिस बेस इज ब्रॉडर कि वो ज़्यादा है, जबकि रिप्रोडक्टिव पीरियड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेस से थोड़े से कम है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड के जो ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि ओल्ड एज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम होते हैं, तो इस तरह की पॉपुलेशन को हम बोलते हैं यंग पॉपुलेशन। दिस इज द यंग पॉपुलेशन और यू कैन से दिस इज द पॉपुलेशन विच इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरह की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही यंग पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो दिस टाइप ऑफ बेल शेप कर्व इज फॉर्म्ड, एंड इसमें जो आप देखेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है वो नियरली जो ब्रॉड होता है, जबकि जो अपर रिप्रोडक्टिव फेज वाला पीरियड है वो भी समवट इक्वल होता है, लेकिन बेल शेप बेल के ऊपर शेप है वो जो है कम होता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कम होते हैं इसमें, तो ये पॉपुलेशन जो है दिस इज स्टेबल पॉपुलेशन, दिस इज द स्टेबल पॉपुलेशन। उसके बाद जो है आता है अनशेप, इन्वर्टेड अनशेप पॉपुलेशन, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो कम होते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन जो है यू कैन से रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, जबकि ये पॉपुलेशन जो है बेल शेप वाली ये स्टेबल है, यू कैन से स्टेडी पॉपुलेशन, स्टेडी स्टेट यानी कि ग्रोथ जो है वो नॉर्मली सेम रहती है इसमें। अब ये इधर अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन की फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं कि अगर इरेप्टिव साइकिल्स होती हैं यानी कि एकदम रैपिड ग्रोथ और रैपिड जो है फॉल, रैपिड ग्रोथ रैपिड फॉल, तो इस तरह की पॉपुलेशन जो है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है एक टाइम के बाद और स्टेबल पॉपुलेशन नहीं होती, जबकि स्टेबल पॉपुलेशन के लिए जो है एक बार ग्रोथ होती है तो जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसके अराउंड होती है फ्लक्चुएशन। टफ्ट एंड क्रफ्ट जो है वो ऊपर नीचे तो होती है, डेथ और जो मोर्टैलिटी और नेटैलिटी होती है वो होती है, लेकिन वो एक साइक्लिक मैनर में होती है, फ्लक्चुएशंस जो है वो काफ़ी कम होती हैं, तो वो और वो नियर कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी इन्वायरमेंट में जितना फीड करने की जो ताकत होती है वो होती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी। तो इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज किसी ऑर्गेनिज्म को किस लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन जो है कई तरह से डिस्पर्स होती हैं, एक नंबर एक रेगुलर डिस्पर्शन, जैसे इंडिविजुअल अपनी मर्जी से कहीं पे भी रहते हैं अलग अलग जगह पे, स्पेस में जो कितना अरेंजमेंट है किस तरह का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं रेगुलर डिस्पर्शन, जबकि रैंडम डिस्पर्सन भी हो सकता है कि कोई भी नेबर के बजाय कहीं पे भी किसी भी तरह से अपनी मर्जी से रह सकता है, तो उस टाइप के बोलते हैं हम रैंडम डिस्पर्सन। जबकि कुछ जो है ऑर्गेनिज्म वो क्लम्प्ड रहना पसंद करते हैं, पैसेज में रहना पसंद करते हैं, तो उस तरह की पॉपुलेशन को बोलते हैं हम पेस्ट और पेस्ट डिस्पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं, और इसी तरह से क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया है और इसमें दूसरा एक पर्टिकुलर एरिया है, तो अगर यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ आते हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज द इम माइग्रेशन, इम मीन्स दे आर कमिंग टू द पॉपुलेशन ए, दिस इज पॉपुलेशन बी, दे आर कमिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन बी, तो पॉपुलेशन बी से अगर गए हैं तो वो होगा ई माइग्रेशन, जबकि इसमें आई है तो दिस इज इम माइग्रेशन। तो यहाँ की पॉपुलेशन ए की अगर बात करते हैं तो ए में पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगी, टोटल नंबर ऑफ बर्थ रेट प्लस जो है टोटल नंबर ऑफ इम माइग्रेशन, अगर हम इनकी स्टडी करते हैं बर्थ रेट टोटल बर्थ प्लस इम माइग्रेशन इनको टोटल करके और इसमें से माइनस क्या करेंगे डेथ
माइनस ई माइग्रेशन। तो ये जो है पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने इंक्रीज हुए हैं, बर्थ से कितने पैदा हुए हैं पर थाउजेंड पे ये स्टडी कर लेंगे। फिर इन माइग्रेशन से कि पॉपुलेशन जो है ए में कितने इमाइग्रेट हुए हैं और डेथ यहाँ पे कितनी इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है, और प्लस ई माइग्रेशन यहाँ से छोड़ के भी तो जा सकते हैं, तो यहाँ से छोड़ कर कितने गए हैं। तो अब पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर ए पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पर्टिकुलर ये क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल की। थैंक यू गाइस।